नमस्कार, रेनू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की बर्फी। बहुत सरल विधि है और ज़्यादा सामग्री भी इसमें नहीं चाहिए होती है। सामग्री जो भी है मैंने आपके सामने पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लौकी चाहिए, जिसे हमने कद्दूकस कर लेना है। बीच का भाग लौकी का अगर सख्त हो तो उसे आप निकाल लें। ये मैंने 1 किलो लौकी ली है और कद्दूकस कर लिया है। जो इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा लौकी में है उसे हम निकाल लेंगे और निथार लेंगे। और ये हमारी पानी निकाल के जो देखिए आप, लौकी बिल्कुल ड्राई सी हो गई है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, तो अच्छे से पानी निकाल लें। सामग्री हमें इसमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। काजू बादाम मैंने लिए हैं, आप चाहें तो किशमिश या कुछ और भी साथ में ले सकती हैं। 4-5 इलायची हमने इसमें पीसी हुई हैं, आप चाहें तो इलायची पाउडर ले सकती हैं। और साथ में मैंने लिया है मिल्क मेड, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। मेरे पास तो स्टॉक में मिल्क मेड था इसलिए मैंने मिल्क मेड ले लिया है। इसके लिए सबसे पहले अब हम अपना घी गरम करते हैं पैन में। तो हम घी डाल लेते हैं और घी के गरम होते ही हम अपना इसमें लौकी डाल देंगे जो कद्दूकस की हुई थी। आप चाहें तो इसमें इलायची पहले ही डाल लें जब आपने घी डाला उसके कुछ समय बाद, या फिर बीच में डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में भी आप पाउडर अगर है तो उसे लास्ट में भी आप डाल सकते हैं इलायची पाउडर को। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा भून लेते हैं। जो घी है उसमें ही अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं पूरी लौकी को। पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और पूरी लौकी को हम अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से पलटा लीजिए। बहुत सरल विधि है और इसमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए। इलायची मैं अभी डाल रही हूँ और आप अपनी इच्छा के अनुसार स्टार्टिंग में या फिर पकने के बाद इन पॉइंट में भी डाल सकती हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहें तो पाउडर यूज कर सकती हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके से हम ढक देते हैं कुछ देर पकने के लिए। लौकी बहुत जल्दी पक जाती है। 5 मिनट बाद हम देखेंगे। स्टार्टिंग में देखिए बिल्कुल पानी नहीं डाला था, अभी पानी इसमें से कुछ लौकी ने छोड़ दिया है। तो थोड़ी देर के लिए हमारी लौकी अभी उतनी अच्छे से पकी नहीं है, तो एक बार और हम इसे बंद करके पका लेते हैं। और जैसे ये बिल्कुल पक जाएगी और इसका जो पानी है वो सूख जाएगा, हम इसमें अपना मिल्क मेड मिला लेंगे। ये देखिए इसमें मिल्क मेड मैंने मिला लिया है। मिल्क मेड की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा। ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा, कम पसंद है तो कम, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। देखिए लौकी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से मिठाई बनाकर बच्चों को खिलाएंगी तो बच्चे डेफिनेटली इसे खाएंगे, क्योंकि मीठा बच्चों को बहुत पसंद होता है। और ये इसकी जो बर्फी होती है उसमें जो रेसे जैसे लौकी के होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आपके बच्चों को भी, आपको भी, सबको बहुत अच्छी लगे। अच्छे से इसे ड्राई होने देना है। ये देखिए इस रेसिपी में हमारे 25 से 30 मिनट में ये आराम से हमारी तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। ये देखिए अब एक सॉलिड मिक्सचर हमारा बन गया है। तो अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसे हम कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि ये सेट जब हम करें इसे तो ये ज़्यादा गर्म न रहे। तब तक हमने अपनी प्लेट तैयार कर ली है, जिसमें नीचे से घी लगा दिया है और ऊपर से हमने ये गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम वगैरह डाल दिए थे। मिक्सचर हमारा जो लौकी का था वो ठंडा हो गया है, तो हम प्लेट में इसे डाल देते हैं और उसे एक निश्चित शेप देने की इसे कोशिश करेंगे। देखिए मैंने चौकोर शेप दिया है। आप जैसा चाहें, हम अपने घर में बना रहे हैं तो जिस आकार में काटना चाहें वैसे काट सकते हैं और वैसे हम उसे गार्निश कर सकते हैं। मैं इसमें काजू और बादाम ऊपर से भी कुछ लगा रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें कलर्स नहीं डाले हैं हमने। आप घर में बना रही हैं तो यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है। लौकी का खुद का एक
कलर होता है, मिल्क मेड हमने इसमें डाला हुआ है, तो वैसे ही वो बहुत सुंदर दिखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कलर डालें। बाजार में जो आप लाते हैं वो हल्की ग्रीनिश होती है, क्योंकि उसमें कुछ कलर भी एडिट डाला होता है। ये देखिए, चेक कर लीजिए कि वो थोड़ी सख्त हुई है नहीं हुई है। जब हमने सेट कर लिया है तो उसके बाद हम उसे आधा घंटा छोड़ देंगे ताकि वो ठंडी हो जाए और अच्छे से उसके पीसेस बन सकें। और पीसेस भी आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहें बना सकती हैं, पर प्लेट में डालने के बाद इसे आधा घंटा आप ठंडा होने के लिए रख दें। फ्रिज में भी रख सकती हैं सेट करने के लिए, और उसके बाद आप अपने जैसा भी डिज़ाइन हो वैसे आप काट सकती हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी है, यम्मी है और ज़्यादा समय नहीं लगता। लौकी आजकल बहुत हो रही है, लौकी का सीजन चल रहा है, तो आप लौकी की बर्फी बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए और इसका आनंद ज़रूर उठाइए एक बार। चम्मच रख लेती हूँ और टेस्ट कर लेती हूँ।